हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, जो हमने सुबह राइड बनाई, जो हम राइडिंग पे गए, 6-7 लोग थे हम। 6-7 तो नहीं खैर कह सकते, 9-10 के करीब होंगे। 6-7 बाइक्स थी। और उसके बाद राइड करने के बाद मैं वापस घर पे आया, 11-11:30 के आसपास आ गया था मैं। और उसके बाद जैसे ही घर आया, बच्चे पीछे पड़ गए कि यार मामू चलो ऊपर, काइट उड़ानी क्या, कोई बात नहीं पकड़े थे। तो बस यार अब ऊपर छत पे आए हैं और अब उड़ाएंगे, अब पतंगे उड़ाएंगे और मज़े मारेंगे यहाँ पे। ये दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बुरा हाल कर रखा है उन्होंने। कैसे हो आप? बड़े हैं। और हाय फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं? हुआ क्या? इनके ड्रामे देख लो, अभी शुरू हो जाएंगे इनके ड्रामे। तो चलो गाइस, अब हम तैयारी करते हैं पतंग उड़ाने की और उसके बाद फिर वीडियो बनाते हैं। मस्ती क्या, हम वीडियो बनाएंगे अब बस। तो उसकी क्या कहते हैं, पतंग उड़ाने की। और हरमन उड़ाएगा। हरमन अपने आप को सोचता है मैं बहुत बड़ा हूँ, पर ये है पिद्दा सा, वैसे पतंग तो उड़ती नहीं है। अगर मैं इसको उड़ा के भी दे दूँ और उसके बाद ये उड़ते उड़ते उसको नीचे डाउन कर देता है। तो देखते हैं, अभी आपको मैं दिखाऊँगा कि मैं उड़ा के इसको दूँगा और ये देखना कैसे करें। तो गाइस थोड़ी देर में मैं चलूँगा इसको, एक ये पतंग उड़ा के दे दूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे जाएंगे, हम लोग नीचे जाएंगे, क्योंकि यार भूख भी लग रही है। सुबह मैंने इतना कुछ खास खाया नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। तो बस अब नीचे जाके अपना लंच करेंगे और आराम से थोड़ा रेस्ट करके फिर शाम को आएँगे हम ऊपर, क्योंकि शाम को और काफ़ी माहौल अच्छा होगा, छत पर काफ़ी लोग उड़ाएँगे पतंगे वगैरह। और अभी तो लोग काफ़ी कम है और धूप की वजह से ना थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है, गर्मी से लग रही है। और टैनिंग वैनिंग तो हो ही जाएगी, आपको पता ही है यार, स्किन तो वैसे ही बर्न करती है। तो चलो गाइस बने रहिए मेरे साथ और हम जल्दी से ये वीडियो डालेंगे। पहले उसके पहले इसको मैं उड़ा के दूँ, उसके बाद फिर हम नीचे जाएं। तो गाइस ये दोनों लगे पड़े। ओ हरमन ने उड़ा दी। ओ वाओ नाइस, शाबाश हरमन, उड़ा सकता है। ऐसी उड़ेगी, वहाँ जाकर उसको निकाल वहाँ से। हरमन उड़ा लेगा लग तो रहा है, देखते हैं। बड़ा हो गया हरमन तो, स्टाइल क्यों मार रहा है इतना, उड़ा ली तो थोड़ी सी। तो गाइस मैंने भी अपने टेरिस पे फ्लैग लगा रखा है, ये देखो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। लेकिन एक अलग सी फीलिंग आती है यार ऊपर छत पे लगा के तिरंगा, ये देखो लग रहा ना मस्त। तो गाइस मैंने उसको हरमन को पतंग उड़ा के दी, पर यार उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसको उड़ा के देने का कोई फ़ायदा नहीं। अरे एक पतंग आ गई बोरी, तू रहने दे। तो लो गाइस एक तो पतंग आ गई हमारे पास, ये रही, हमारे पास सारी पतंगें फट गई थी और तो ये एक आ गई। अब इसको उड़ाएंगे हम बाद में, पहले क्योंकि ये हरमन उड़ा ले उसके बाद फिर उड़ाएंगे, ठीक है। तो ये देखो हरमन आ रहा है। हरमन ने वो चखड़ी पकड़ ली है पतंग, अब हरगुन उड़ा रही है। उड़ा शाबाश मामू, ये क्या हो गया? उड़ा ना हवाई, क्या हो गया? उड़ाओ हाँ, तो ऐसी उड़ेगी, उस तरफ हवा है, उस तरफ उड़ाओ, उस तरफ पली पड़ो। तो गाइस अपने पास तो ये आ चुकी है गोल्डन कलर की पतंग, तो इसको मैं उड़ाऊंगा और ये बच्चे उड़ाएंगे, ठीक है। तो मैं इनको उड़ा के दे देता हूँ, बहुत सारी पतंगें उड़ रही हैं आज। तो चलो गाइस मैं इसको ज़रा सा पतंग उड़ा के दे दूँ, यार ऐसे उड़नी तो है नहीं मुझे पता है, तो मैं इसको उड़ा के पकड़ाता हूँ। तो बाकी चलते हैं उसके बाद नीचे, क्योंकि काफ़ी धूप भी हो रही है और गर्मी भी लग रही है। हाँ हेलो गाइस, तो अब हो चुकी है शाम, तो हमने सोचा यार चलो यार ऊपर चलते हैं और पतंग वतंग उड़ाएंगे, बट एक सीन हो गया अपने साथ, बारिश आ गई। और ऊपर जो मेरी पतंगें पड़ी थी सारी गीली हो गई, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं ऊपर, क्योंकि टेरिस पूरा गीला हो चुका होगा। तो यानी कि जो दोपहर में हमने पतंगें उड़ाई थी बस वही उड़ाई हैं, उसके बाद अब कोई फ़ायदा नहीं उड़ाने का, जब तक टेरिस सूखेगा नहीं है उड़ाएंगे नहीं, वरना क्या होगा कि मांझा सारा गीला हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अभी नेक्स्ट व्लॉग के लिए हम रेडी हो जाएंगे, कहीं भी अगर जाएंगे तो जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूँगा। ओके बाय बाय।